हाय गाइस, वेलकम टू कारगेट। आई होप आप सब बढ़िया हो, सेफ हो। आई एम आल्सो डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो जब से ये ईवी सेगमेंट को थोड़ा फॉलो करना स्टार्ट किया मैंने ना, क्योंकि रिसेंटली अब ऑब्वियसली पता चल रहा है कि जो आने वाला फ्यूचर है वो ईवी का ही है। जैसे यूएस में टेस्ला वगैरह चल रही है, इंडिया में भी बात चल रही है टेस्ला के आने की। इंडिया में इवन टाटा ने काफी कुछ लॉन्च किया है, एमजी ने लॉन्च किया है, किया ने लॉन्च किया है। अब जब इसी सब सेगमेंट की बात कर रहे थे तो थोड़ा बहुत ऐसे रिसर्च करा था, एंड इस रिलेटेड में को काफी इंटरेस्टिंग एक चीज मिली, एक क्रिएटिव मिला जो रिसेंटली टाटा ने किया था और उसके बाद एमजी ने किया था। उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हुए काफी इंटरेस्टिंग मार्केटिंग थी। मतलब एक दूसरे को ऊपर नीचे करते हुए ये लोग अपनी गाड़ियों की लिमिटेशंस, अपनी गाड़ियों की प्रोज एंड कॉन्स बता रहे थे, एंड उससे बेनिफिट क्या होता है एंड ऑफ द डे कंज्यूमर का होता है। मतलब आपको पता चल जाता है पहले ही कि आपको क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। एंड बिकॉज दीज कंपनीज व्हेन दे क्लैश विद ईच अदर, ऑब्वियसली उनका दोनों का ही नुकसान होता है। मतलब मार्केटिंग में तो ये सिखाते हैं, एंड इसमें फायदा होता है कंज्यूमर का। तो बीइंग अ कंज्यूमर, आप जैसे मेरे पीछे ही एक क्रिएटिव देख सकते हो, दिस इज रिलीज बाय टाटा। तो टाटा ने करा था ऐसे करके, ओन अ कार नॉट अ कार्टून, जैसे आप पीछे देख रहे हो। तो अब इसमें ये जो आप ध्यान से इसका जूम इन करके इसका क्रिएटिव को देखोगे, तो कार का जो डब्बा सा नीचे बना रखा है ना, दैट मतलब बोलने को डब्बा ही बोलना पड़ेगा क्योंकि दिखती ही ऐसी है वो। तो दिस इज काइंड ऑफ एमजी कॉमेट, जो एमजी की रिसेंटली रिलीज्ड टू डोर ईवी कार है, थ्री डोर ईवी कार है। वैसे तो अंदर से स्पेशियस है, मतलब मैंने देखी नहीं, बट मैंने काफी रिव्यूज वगैरह देखे थे, सब ये बोलते हैं इतना स्पेस एमजी लेके कहाँ से आ रहा है। बट जो भी है, मतलब ऐसे करके टाटा ने सबसे पहले ये चीज रिलीज करी। अब इसके बाद एमजी ने जब ये चीज नोटिस की कि ऐसा ऐसा करके कुछ मार्केट में चल रहा है, तो इन्होंने ये क्रिएटिव रिलीज किया। तो जैसे कि इस क्रिएटिव पे आप देख सकते हो, ड्राइव समथिंग सेक्सी से टाटा टू टैक्सी ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है। थोड़ा बहुत राइम करने का भी ट्राई किया गया, जो कि काफी सही है। एंड जो टाटा का जो टाटा लिखा हुआ है ना, मतलब बाय भी बोल सकते थे वैसे तो, उसको कुछ भी बोल सकते, चाओ बोल सकते थे, कुछ भी बोल सकते थे, बट उन्होंने टाटा बोला। जानबूझ के जो उसका फॉन्ट है वो भी कुछ ऐसा रखा है कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक टाटा को। एंड अगर आप इसको भी जूम इन करके थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, तो वो टियागो की बात चल रही है वहां पे। दोनों ही कार्स ऑलमोस्ट सिमिलर हमारे को फीचर्स के साथ मिल जाती है। टाटा टियागो के बारे में सबको पता ही है। एमजी कॉमेट थोड़ी न्यू है मार्केट में, इसका एक वीडियो में रन कर देता हूँ, पीछे आप देख लेना, ये कुछ ऐसे दिख रही है। तो एमजी कॉमेट में भी काफी अच्छे यूनिक फीचर्स है, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो अपने एंड से। दोनों की जो कॉस्ट है वो भी लगभग सेम है, इंडिया की गवर्नमेंट दोनों पे सब्सिडी भी दे रही है। तो इन केस यू वांट टू गो विद एनी ऑफ दीज कार्स, यू कैन गो अहेड, डू योर रिसर्च, एंड जो भी आपको कंफर्टेबल हो, आपके पास स्पेस है अगर ईवी को रिचार्ज करने का, तो यू कैन डेफिनेटली गो विद वन ऑफ दीज कार्स। तो वैसे तो इस टाइप की एडवर्टीजमेंट में थोड़ा मजा आना शुरू हो गया था, मैं दोनों को काफी अच्छे से फॉलो कर रहा था, बट रिसेंटली टाटा ने एक स्टेटमेंट पब्लिश की जिसमें उन्होंने बोला कि वो इस टाइप की एडवर्टीजमेंट को थोड़ा डिस्टेस्टफुल बोलते हैं। उन्होंने ये जो एड है, जो वायरल एड हुई है, ये रिलीज नहीं की, बट एमजी ने ऐसा कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं दिया है। बट इन केस वो भी कुछ ऐसा देते हैं, तो आई डू लेट यू गाइज नो, इस वीडियो में कॉमेंट करके उसको पिन कर दूंगा, तो यू कैन स्टे ट्यून फॉर दैट ऑल्सो। तो यही था इस वीडियो में, मुझे कुछ ये इंटरेस्टिंग कार मार्केटिंग के बारे में पता चला था, तो मेरे को था कि आपसे एक बार शेयर करूं। उम्मीद करता हूं आपको वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। तो डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक्स अ लॉट, बाय गाइस, टेक केयर, स्टे सेफ।